ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर अपन बात करें कि ए बी सी और डी क्या है पैरेललोग्राम, और इन्होंने गिवन क्या बोल के रखा है कि सर ए सी इज इक्वल टू व्हाट बी डी। सर कहीं ना कहीं एक बात अच्छी है इस पूरे क्वेश्चन में कि आपको गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू व्हाट बी डी। टू प्रूव मैं आपको इसको रेक्टेंगल करना है तो आपको सारे एंगल्स, एंगल ए चाहे एंगल बी चाहे एंगल सी, सबको इक्वल टू कितना करना पड़ेगा। ए बी सी डी ये भी गिवन है कि पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम। सर ये भी गिवन है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो सर कैसे करा जाए इस क्वेश्चन। मैंने बोला कुछ नहीं दोस्तों, अगर अपन साथ में चले पैरेलल चलोगे तो बड़ा मजा आएगा कि आप ले लो साथ में इन ट्राइंगल व्हाट ए सी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल ए, ये देखिए ए अगर हम बात ए सी डी एंड ट्राइंगल कौन सा बी सी और डी। सो दिस आर द ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल व्हाट बी सी डी। सर आप कौन कौन से ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये वाला है जो ए सी डी बन रहा है और एक ट्राइंगल ये वाला है जो बी सी डी बन रहा है, ठीक है अच्छी बात। सर इन दोनों में अच्छी बात क्या है, सबसे पहली बात तो इसकी ए डी इज इक्वल टू इसकी बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन साइड्स है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के बाद ठीक है। अगर अपन बात करें सी डी इक्वल टू सी डी, सर ये क्या है कॉमन, और उन्होंने खुद ने बोल के रखा है ए सी इक्वल टू क्या है बी डी। क्या सर ये गिवन था, मैंने बोला हाँ ये गिवन तो था, तो ए सी इज इक्वल टू क्या है बी डी। ऐसे केस में ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी सी डी से बाय व्हाट एस एस एस। आपने बोला इसकी ये साइड इज इक्वल टू इसकी ये साइड, आपने बोला ये और ये आपस में क्या है कॉमन, आपने बोला इसका ए सी इज इक्वल टू इसका कितना बी डी। सर आपने तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, मैंने बोला हाँ। सर बाय सीपीसीटी सबसे पहली बात क्या बोलोगे, तो बाय सीपीसीटी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। बाय सीपीसीटी इस वाले ट्राइंगल का एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू हमने मान लिया कितना एक्स, तो इसका एंगल डी इज इक्वल टू उसका एंगल सी, दोनों क्या हो गए एक्स। नाउ कैन वी कॉल एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं को इंटीरियर, पैरेललोग्राम तो है ही वो, तो सर अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो x प्लस x इज इक्वल टू कितना 180, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू कितना। इन शॉर्ट आपका एंगल D इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सारे एंगल क्या हो गए, देयरफॉर A B C D क्या हो गया रेक्टेंगल। सर क्या इसमें सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंसी लगानी थी, हाँ कौन कौन सी एस एस एस। बच्चों के लिए ट्रिक क्या है, पहले तो ट्राइंगल्स के नाम देख लो कौन से ट्राइंगल है, बड़े बड़े ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल है, बड़े बड़े ट्राइंगल्स है। स्टेप वन में कॉन्ग्रुएंसी करनी है, स्टेप टू में को इंटीरियर लगाना है। सर क्या इसमें पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मैंने बोला हाँ यार दोस्त इसमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से खत्म हो सकता है, ठीक है। तो जानबूझ के थोड़ा सा आगे चल रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आए। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आपको बोल कर रखा है इफ अ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ऐसा बोल के रखा है एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये गिवन क्या है आपके पास कि सर गिवन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट
एंगल. इसका मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री. सर क्या ये पूरा पार्ट गिवन है? मैंने बोला ये पार्ट तो सर AO और OC इक्वल भी हैं, OB और OD इक्वल भी हैं और एंगल O कितना है 90 डिग्री. आपको प्रूफ करना है कि इट इज अ रोम्बस. आपको प्रूफ करना है कि इज अ रोम्बस. देखो यार आप कैसे भी कर सकते हो. सबसे पहले अगर कोई मुझसे बोलेगा तो मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा स्टेप 1 में. तो स्टेप 1 आपका क्या है, पहले कन्वर्ट ABCD जो कि क्वाड्रिल गिवन है उसको ABCD को पैरेललोग्राम बनाओ. कैसे? दो अपोजिट ट्रायंगल ये और ये. सो इसमें क्या करें हम लोग, समझो बहुत अच्छे सिखा रहा हूं. आप लो इन ट्रायंगल AOB दिखाया क्या, AOB एंड ट्रायंगल व्हाट COD, दोनों में लिखो इसका OA इज इक्वल टू उसकी OC की OB इज इक्वल टू उसकी क्या OD. सब तो गिवन है और इसका एंगल O इज इक्वल टू उसका भी एंगल O क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट भी हैं और 90 भी है. तो सर एंगल O इज इक्वल टू एंगल O 90. सर क्या ये सब गिवन था क्या? मैंने बोला हाँ. इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे आपके ये दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड हो गए. बाय व्हाट एस एस, बाय व्हाट एस ए एस. सर इससे क्या होगा, यहां का एंगल 1 इज इक्वल टू यहां का एंगल 2. और सर आप तो ये भी बोलोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और आप ये भी बोल दोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी. हाँ बोलूंगा ही कि अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया तो आप बोल सकते हो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है. कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल. तो ए बी पैरेलल टू कितना हो जाएगी सी डी. और बाय सी पी सी टी आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू कितना सी डी. तो सर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी. बाय दिस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम. ये स्टेप 1 हुई. अगर अपन आगे करें तो सर आगे क्या गिवन है इसके अंदर, तो सिस्टमेटिक देखें और अच्छे से देखें. अब इसको रोम्बस प्रूफ करना है. अब पास पास वाले ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल एओबी, क्योंकि रोम्बस प्रूफ करने के लिए सिर्फ इसकी सारी साइड्स इक्वल करनी, पैरेललोग्राम तो हो गया है तो इसकी अपर साइड इक्वल हो चुकी है. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, तो सर एक ट्राइंगल कौन सा है ए ओ बी और एक ट्राइंगल कौन सा है बी ओ सी. तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी कैन वी से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन और एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ कितना. सर ये सभी क्या गिवन था? हाँ ये सभी गिवन था. तो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय एस ए एस साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड. तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो होगा इससे सर, बाय S S A S साइड एंगल साइड. बाय सी पी सी टी आप क्या लिख दोगे, तो बाय सी पी सी टी लिखने की बात है ए बी इज इक्वल टू बी सी. बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स. तो बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू बी सी is equal to x. अगर अपन बात करें सिस्टमेटिकली ए बी इज इक्वल टू वॉट बी सी, तो सर वो भी x है तो ये भी x हो गया, ये x है तो ये भी x हो गया.
तो सर इसका मतलब क्या ऑल साइड्स ही इक्वल हो गई? यस, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गई? बी सी, लेकिन ए बी इक्वल टू क्या है? सी डी भी है और फिर वो ए डी भी है, तो क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल हो गई तो फिगर आपका क्या हो गया? रोमबस, क्योंकि ऑल साइड्स, अगर हम बात करूं ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज व्हाट? रोमबस। सर ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं अच्छा लगा क्वेश्चन नंबर थर्ड ने बोला। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। सर क्या इसको सिस्टमैटिक करना है? मैंने बोला अगर अपन बात करें अच्छे से तो इसको सिस्टमैटिक करना तो चाहिए आप लोगों को। और सर इसका फोटो नहीं मिला तो क्या आप रिमूव करेंगे? बिल्कुल रिमूव करूंगा। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगर अपन क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें इस पर्टिकुलर आलम में, इसे क्वेश्चन नंबर फोर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास इस प्रकार से, शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर ले, अब अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो इसका मतलब गिवन क्या है आपके पास? कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एक्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90, ये भी गिवन। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है इसमें, कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं और बाइसेक्टेड 90 भी करते हैं। तो टू प्रूफ में आपको ए सी इक्वल टू बी डी और एंगल ओ इज इक्वल टू 90 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो छोटा छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन से? कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इसकी ए बी इज इक्वल टू इसकी क्या? बी सी। स्क्वायर है तो साइड तो क्या होंगी? इक्वली होंगी। सर अच्छी बात है, बात तो सही बोली आपने, स्क्वायर है तो साइड क्या होंगी? इक्वल ही होंगी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको अगली बात ये बोल के रखी है कि ओबी इज इक्वल टू कितना? ओबी कॉमन। सर ये बात भी सही है, और कहीं ना कहीं ओ ए इज इक्वल टू कितना? ओ सी। ओ ए इज इक्वल टू कितना? ओ सी। तो सर क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही, अब ये प्रूफ करने के डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो ये ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ई ओ सी से बाय एस एस एस। ये साइड के इक्वल, ये कॉमन और ये बायसेक्ट। सर बाय सीपीसीटी आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा बाय सीपीसीटी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर आप बाय सीपीसीटी क्या बोलना चाहोगे इसमें, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि बाय सीपीसीटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे कि बाय इसके आगे अगर अपन लेके चले तो बाय सीपीसीटी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ये भी ए और ये भी, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू कितना? 180। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 180, टू ए इज इक्वल टू 180, ए का मतलब कितना हो गया 90, ए का मतलब ही कितना 90। तो सर ठीक है, यहां से ए भी 90 और यहां से भी ए 90 डिग्री। तो सर आपके पास ए 90 आ गया? मैंने बोला हाँ हमारे पास ए तो 90 आ गया। अब कौन से ट्रायंगल लेने? ये तो छोटे छोटे ट्रायंगल हो गए, मैंने बोला हाँ ये छोटे छोटे हुए थे, अब आप बड़े बड़े क्योंकि आपको डायगोनल इक्वल कर, तो कौन कौन से ट्रायंगल? सर इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए सी डी This is ACD
एंड उसी समय बी सी और डी इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल वॉट बी सी. सर इसकी ए डी इज इक्वल टू इसकी क्या सर्कल्स के सारे साइड्स इक्वल होती. हाँ तो ए डी इक्वल टू कितना बी सी. सर दोनों के अंदर डीसी डीसी कॉमन है. मैंने बोला यस डीसी डीसी कॉमन. तो सर इसकी ए बी इज इक्वल टू इसकी बी सी. इसमें भी डीसी और उसमें भी डीसी. और सर इस वाले ट्राइंगल का एंगल डी 90 डिग्री हो जाएगा. ए सी डी का एंगल डी 90 होगा और बी सी डी का एंगल सी 90. तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी. अगर अपन बात करें एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90. तो ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी बाय एस ए एस बाय व्हाट बाय सी पी सी टी. अगर अपन बात करें तो बाय सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू कितना तो प्रूफ करना था. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपका. इफ अ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब इन शॉर्ट वो ये बोल रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं. इफ अ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. अब बहुत प्यारी बात है ईच अदर एट राइट एंगल. वही बात सेम बात. इस बार बोल रहा है यहाँ पे 90 है. मैंने बोला ठीक है. तो गिवन क्या बोल रहा है. गिवन बोल रहा है भाई OA equal to OC, OB equal to OD, AC equal to BD. डायगोनल्स को इक्वल बोल रहा है और एंगल O को कितना बोल रहा है 90. क्या सर ये सब गिवन है इसके अंदर. तो द आंसर इज यस. ये सब गिवन है इसके अंदर कि एंगल O 90 भी है. OA is equal to OC, OB is equal to OD और AC is equal to क्या है BD भी है. अब वो बोल रहा है प्रूफ करो स्क्वायर. स्क्वायर के लिए एक ही बात करनी पड़ेगी. इसकी ऑल साइड्स इक्वल करनी पड़ेगी. तो अपन पास पास वाली साइड्स इक्वल कर देंगे. सर इसका मतलब क्या. आप चाहो तो इन ट्राइंगल या तीन स्टेप लें कि पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करें. जैसे पहले क्वेश्चन में करा था इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC. आप बोल दो कि भाई OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD और एंगल O इज इक्वल टू एंगल O. तो आप बोल सकते हो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS साइड एंगल साइड बाय CPCT. आप बोलोगे यहां से एक आंख मारने वाला एंगल इज इक्वल टू यहां से दूसरा आंख मारने वाला एंगल. एंगल वन इज इक्वल टू कितना एंगल टू. एंगल वन इज इक्वल टू व्हाट एंगल टू. और ये क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई ए बी पैरेलल टू क्या होगी सी डी. क्योंकि ये एंगल्स इक्वल एज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल आपके पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम बन गया. ऐसा पूरा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया स्टेप वन पूरी. स्टेप टू आपके दो पास पास वाले ट्राइंगल कौन कौन से. स्टेप टू अगर कोई मुझसे पूछे तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी. ए ओ बी एंड बी ओ सी. सबसे पहले तो लिखना चाहता हूं इसकी ओ ए इज इक्वल टू उसकी ओ सी गिवन था. ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन थी और एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ 90 था. ये 90 OA is equal to OC, OB is equal to कितना
ओबी। तो सर अगर अपन बात करें तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? यस, आप बोल सकते हो ये साइड एंगल साइड एस ए एस से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। बाय सीपीसीटी क्या बोलोगे सर? मैंने बोला देखो अगर तुमको बहुत सिस्टमेटिकली समझना हो कि बाय सीपीसीटी क्या बोलना है तो आप बोल सकते हो बाय सीपीसीटी इसकी ए बी इज इक्वल टू इसकी क्या बी सी। तो सर अगर ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स। तो सर पास पास वाली साइड्स इक्वल हो गई तो ये एक्स, तो ये भी कितना एक्स और ये भी कितना एक्स, तो आपकी ऑल साइड्स ही क्या होगी। लेकिन सर अब एक पार्ट और बचा है, तीसरा पार्ट आपको ऑल एंगल्स कितने बताने हैं? 90। तो मैं बड़े बड़े ट्राइंगल लूंगा, एन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ए सी डी बी सी डी। सबसे पहले तो बोलूंगा भाई ए सी इज इक्वल टू कितना? बी डी। गिवन है इसकी ए सी इज इक्वल टू इसकी बी डी, गिवन है। फिर बोल दूंगा इसकी ए डी, इसकी ए डी इज इक्वल टू इसकी बी सी, और फिर डी सी इज इक्वल टू कितना? डी सी ए सी डी इज, तो डी सी इज इक्वल टू डी सी। तो ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल बी सी डी बाय एस 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 बाय सी पी सी डी बाय सी पी सी डी। इसका एंगल डी इज इक्वल टू कितना? इसका एंगल सी, तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना? एंगल सी इज इक्वल टू, तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना? क्योंकि को इंटीरियर एंगल होते हैं। सर क्या ये पहले वाले क्वेश्चंस में सब यही करते हुए आए? मैंने बोला हाँ। तो अगर आप बोलोगे ए प्लस ए इज इक्वल टू 180, तो अल्टीमेटली आपके पास 2a इज इक्वल टू 180, या मैं बोलूं a इज इक्वल टू कितना? 90 आ जाए। अगर आपका एंगल 90 आ गया तो एज ऑल एंगल्स आर 90, देयरफॉर a b c d इज स्क्वायर। क्या बात कर, मैंने बोला हाँ बात तो कैसे ही, सोच समझो। तीन स्टेप का क्वेश्चन है, तीनों स्टेप पे फोकस करोगे तो सर आपकी स्टेप नंबर 1 यहाँ पे थी, 2 यहाँ पे थी और 3 यहाँ पे थी। अच्छे क्वेश्चन से करो तो।